मंडल के साथी श्री प्रहलाद जोशी जी, चेयरमैन केएलई सोसाइटी डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी, श्री प्रकाश हुक्केरी जी, श्री प्रवीण कांबले जी, डॉक्टर वीएस साधुनवार, डॉक्टर बीजी देसाई जी और चिक्कोड़ी के मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आज ये बहुत खुशी की भावना है कि 45 साल बाद 45 years later, I have been able to come back to चिक्कोड़ी। अब मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले डॉक्टर प्रभाकर कोरे जी मेरे से मिलने आए, राजी आया था। ये आपको जानना चाहिए, हम बड़े यूनिक लोग हैं। दूसरे देशों में ये नहीं था कोविड। दूसरे देशों में वैक्सीन पड़ा था, वैक्सीनेशन कभी होता था कभी नहीं होता था, जब सर्टिफिकेट लेना था। मैंने किसी को बताया, मेरा लड़का जो है उस समय अमेरिका में पढ़ रहा था, तो हम दोनों गए एक जगह, तो उन्होंने पूछा हमसे कि कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाइए। मेरे लड़के ने अपने वॉलेट से, बटुए से पेपर निकाला, मैंने अपना फ़ोन सामने किया। तो ये है फ़र्क कि हम जो हैं, अभी जो हमारे बारे में कहा जाता था कि इंडिया इज़ वन डे, इंडिया विल प्रोग्रेस, इंडिया इज़ पोटेंशियल, एक दिन आएगा, कोशिश करेंगे, आपको जानना चाहिए वो दिन आ गया है। और ये पिछले दशक की जो उपलब्धियां जो है, ये फाउंडेशन जो है जिस पे हम अब अमृतकाल में इसको आगे ले जाएंगे, ये जो है हमारे खुद सामने, हम रोज़ अपने जीवन में इसको इसके उदाहरण देख सकते हैं। अब जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्रगति उन्नति की बात करते हैं, तो इसका कुछ तो माने मेट्रिक होता है कि हम कैसे बढ़ रहे हैं, कुछ तो एग्जांपल होगा क्या कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि क्या कौन सा देश आगे बढ़ गया। तो एक इसका है कि एजुकेशन, और हम बिल्कुल ठीक जगह में हैं इसके बारे में बात करने के। पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में रोज भारत में 2 नए कॉलेजेस खुले, हर हफ्ते एक नया यूनिवर्सिटी खुला। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, हर साल 8 नए एयरपोर्ट खुले, हर 2 साल 3 नए मेट्रो बनते, हर दिन 30 किलोमीटर का हाईवे बनता है, 30 किलोमीटर। जब ये नंबर आप किसी को देंगे बाहर, पहले तो मुझे पता नहीं कि वो यकीन करते हैं या नहीं, पर चेक करने के बाद वो सचमुच हैरान होते हैं कि इंडिया इस लेवल पे आ गया है। और आज यहाँ इस एक किस्म से जो चिक्कोड़ी मैं 45 साल आया, मुझे भी आश्चर्य है कि आपने इसको 45 साल में कितना बदल दिया है। और इसका कारण एजुकेशन, इसका कारण स्किल है, इसका कारण टैलेंट है, इसका कारण है कोरे जी जैसे लोग जिन्होंने एक किस्म से इसको मिशन जैसे लिया। तो आपको और आपके सब साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जितने ज़्यादा, मैं कहूँगा, कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशन इनिशिएटिव हो, सरकार तो अपना काम करेगी और करना भी चाहिए, और हमें सरकार से अपेक्षा भी रखनी चाहिए। पर अभी जो है सरकार के बाहर, सोसाइटी में, प्राइवेट, पब्लिक, सब चीज़ करना चाहिए। और इसकी अभी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत है कि आप सब लोगों आईटी से तो परिचय है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम एक अगले लेवल पे जा रहे हैं। आगे की दुनिया जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया होगी, ये चिप्स की दुनिया होगी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की होगी, ये बैटरी की होगी, ये आपका हेल्थ प्रोसीजर्स जो है ये रोबोटिक्स का उपयोग होगा। तो आप
जो मैंने देखा आते वक्त कि यहाँ बगल में विंड फार्म लगे हुए हैं, कि आपका विंड जनरेशन हो रहा, सोलार हो रहा, तो पैनल कौन बनाएगा, विंड के ब्लेड्स कौन बनाएगा, ये एक नई इंडस्ट्री हमारे सामने उभर के आ रही है। और ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो नंबर वन बनेगा दुनिया में, और हम में बिल्कुल वो क्षमता है, ये मोदी जी का सपना है। अभी तो वो कहते हैं नंबर थ्री तक मैं ले जाऊंगा, आगे का उन्होंने कहा नहीं, पर मुझे पता है कि वो हमको नंबर वन तक ले जाएंगे। और हमें अगर नंबर वन बनना है तो ये जो कहते हैं मैंने इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा हमारी जो सबसे बड़ी रिसोर्स जो है वो आप ही लोग, ह्यूमन रिसोर्स इज इंडियाज़ बिगेस्ट रिसोर्स, इज मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स, बट ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। और इसके लिए आज अगर आप जो सरकार कर रही है, जो प्राइवेट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे आज हम बल जो दे रहे हैं हेल्थ पे दे रहे हैं, पोषण पे दे रहे हैं, जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम पे दे रहे हैं, हम एजुकेशन पे दे रहे हैं कि स्कूल हर जगह नज़दीक हो, स्कूल रिटेंशन पे दे रहे, स्किल्स पे दे रहे, स्टार्टअप पे दे रहे, ये एक नई दुनिया है। इस दुनिया में हम पहले कदम रख चुके, अब हमें आगे देखना होगा कि इसको हम कैसे आगे ले जाएं। अब इसके बारे में आप कह रहे हैं कि भाई आपके सामने विदेश मंत्री खड़ा है तो विदेश की बात क्यों? अब लोग जानते हैं कि ये दिस इज मोदीज इंडिया, मोदीज इंडिया जवाब जरूर देगा। और एक किस्म से अगर ये हमारी छवि बन जाती तो लोग भी बहुत बड़े सावधानी से हमारे साथ डील करते। आज जो है हम अगर दुनिया की स्थिति देखें, दुनिया में काफ़ी तनाव है, बहुत मैं कहूँगा अनसर्टेंटी है कि खाड़ी में इज़राइल गाज़ा की खबर आप लोग जानते होंगे, टीवी में फ़ोन में देखते होंगे, यूक्रेन में भी लड़ाई चल रही है सर। तो इस समय देश जो है, देश के हित में है कि हमारा लीडरशिप जो है स्ट्रांग हो, क्लियर हो, उसकी विजन हो, हमें आगे ले जाए। और जैसे मैंने कहा, हर देश जो है ये कभी सरकार के लीडरशिप से चलती है, पर हर नागरिक जो है उसकी भी जिम्मेदारी होती है, तो हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। हमारा हमें जिस क्षेत्र में हमारी कुछ क्षमता है उसमें हमें जो परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो इसीलिए आज मुझे यहाँ आने में, इस स्कूल के उद्घाटन में हिस्से लेने में मुझे बहुत खुशी की भावना है। मुझे लगता है कि कहीं एक बार और मुझे चिकोड़ी से जुड़ने का आपने मौका दिया, तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और एक बार और मैं आप सबको नमस्कार।